हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवीपी साइंस। दिस इज़ क्वेश्चन सैम्पल पेपर ऑफ बायोपेस्टिसाइड्स एंड बायोफर्टिलाइजर्स फॉर बीएससी एग्रीकल्चर सिक्स्थ सेमेस्टर स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन पेपर में कुछ लॉन्ग क्वेश्चन है और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज बेवेरिया बेसियाना, एक्सप्लेन द मोड ऑफ एक्शन एंड टारगेट पेस्ट ऑफ इट। यानी कि बेवेरिया बेसियाना क्या है? यह एक एंटमोपैथोजेनिक फंगाई होता है जो कि इंसेक्ट को अटैक करता है, दिस फंगस। तो इसके मोड ऑफ एक्शन को बताना है और इससे कौन कौन से इंसेक्ट को अटैक करता है इसके बारे में डिटेल में बताना है। द सेकेंड क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू FCO 1985, FCO मीन फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर, व्हाट इज बायो फर्टिलाइजर? बायो फर्टिलाइजर की डेफिनेशन लिखनी है। ये एक बुक है FCO 1985 की। एंड राइट द स्पेसिफिकेशंस ऑफ राइजोबियम एंड एजोटोबैक्टर, और एजोटोबैक्टर एंड राइजोबियम के स्पेसिफिकेशंस लिखना है। द थर्ड क्वेश्चन इज डिस्कस इन डिटेल अबाउट माइक्रोबियल बायोकेमिकल्स एंड PIPs, यानी कि प्लांट इनकॉर्पोरेटेड प्रोटेक्टेंट्स, बायोपेस्टिसाइड्स और क्लासिफिकेशन ऑफ बायोपेस्टिसाइड। यानी कि जो बायोपेस्टिसाइड्स हैं वो तीन टाइप के होते हैं, माइक्रोबियल, बायोकेमिकल एंड PIPs। इन तीनों के बारे में डिटेल में विद एग्जांपल लिखना है। द क्वेश्चन फोर इच डिस्कस द फीचर्स ऑफ आइडियल कैरियर मटेरियल इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड क्वालिटी बायो फर्टिलाइजर। यानी कि जब भी हम बायो फर्टिलाइजर को बनाना होता है तो उसमें कौन कौन से कैरियर यूज करते हैं, उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, उनके फीचर्स में, उनके फीचर्स के बारे में लिखना है। क्वेश्चन फाइव पेज डिफाइन बायोपेस्टिसाइड्स, एक्सप्लेन द पोटेंशियल ऑफ बायोपेस्टिसाइड्स इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। बायोपेस्टिसाइड्स की डेफिनेशन लिखनी है विद एग्जाम्पल। पोटेंशियल का मतलब होता है कि इसके एडवांटेज क्या क्या है और ये ऑर्गेनिक फार्मिंग में किस तरह से इसकी यूटिलिटी है। क्वेश्चन नंबर सिक्स इज व्हाट डू यू मीन बाय बायो फर्टिलाइजर्स, आप बायो फर्टिलाइजर से क्या समझते हैं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स इन इंडियन एग्रीकल्चर, यहाँ पर इसके एग्जांपल भी देना है। एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स इन इंडियन एग्रीकल्चर, और इंडियन एग्रीकल्चर में इसका क्या योगदान है। क्वेश्चन सेवन इज डिस्कस ऑल स्टेप्स इन डिटेल विद द डायग्राम इन पैकेजिंग ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स एंड बायो पेस्टिसाइड्स। क्वेश्चन एट इज डिफाइन द फॉलोइंग रोल ऑफ बीटी जीन इन एग्रीकल्चर। यानी कि बीटी बेसिलस थुरिंजेंसिस एक बैक्टीरिया है, इसका एग्रीकल्चर में कैसे यूज होता है, कौन सी बीटी क्रॉप और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनाई जाती हैं, और जब बीटी का प्रोडक्शन किया जाता है तो पैकेजिंग मटेरियल प्रोसीजर ऑफ बायोपेस्टिसाइड, इस बायोपेस्टिसाइड्स का पैकेजिंग करने का तरीका क्या है। क्वेश्चन नंबर नाइन व्हाट डू यू मीन बाय बायो फर्टिलाइजर, यहाँ बट बायो फर्टिलाइजर की डेफिनेशन लिखनी है। एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ बायो फर्टिलाइजर, और बायो फर्टिलाइजर की डिफरेंट कैटेगरी को विद एग्जांपल डिस्क्राइब करना है। क्वेश्चन नंबर टेन राइट 10 माइक्रोबियल बायोपेस्टिसाइड्स विच आर रजिस्टर्ड इन इंडिया। इंडिया में 10 माइक्रोबियल बायोपेस्टिसाइड जो रजिस्टर्ड है उनका नाम निकला है विद साइंटिफिक नेम, एंड राइट द फीचर्स ऑफ एनी फोर, और किसी चार के बारे में डिटेल में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बायोपेस्टिसाइड्स एंड बायोकंट्रोल एजेंट्स। क्वेश्चन नंबर 12 डिफाइन विरुलेंस पैथोजेनिसिटी एंड बायोपेस्टिसाइड्स विद सर्टेन एग्जांपल्स। क्वेश्चन नंबर 13 व्हाट इज FCO 1985, ये क्या है, गिव स्पेसिफिकेशन ऑफ एनी टू स्ट्रेट फास्फेटिक फर्टिलाइजर, और किसी भी दो फास्फेटिक फर्टिलाइजर के स्पेसिफिकेशन के बारे में लिखना है जो कि इस बुक में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 14 व्हाट इज एंटमोपैथोजेनिक बैक्टीरिया, एंटमोपैथोजेनिक बैक्टीरिया क्या है, और एंड एक्सप्लेन इट्स रोल इन एग्रीकल्चर, और इसका एग्रीकल्चर में क्या रोल है। 15 अकॉर्डिंग टू FCO डिफाइन द ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, इस बुक से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की डेफिनेशन लिखनी है। एंड राइट द स्पेसिफिकेशन ऑफ एनी टू स्ट्रेट नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर। क्वेश्चन नंबर 16 व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड बायो फर्टिलाइजर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, आल्सो डिस्कस द रोल ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स,
यानी कि बायो फर्टिलाइजर्स का एग्रीकल्चर में क्या रोल है। क्वेश्चन नंबर 17, एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप मेथड्स ऑफ पैकेजिंग द बायो पेस्टिसाइड्स विद डायग्राम। बायो पेस्टिसाइड्स की पैकेजिंग को कैसे करते हैं, पैकेजिंग मटेरियल पर क्या क्या चीज़ें लिखी जाती है, ये सारी चीज़ें इसमें लिखनी है। 18, व्हाट इज ट्राइकोडर्मा हार्जियानम। ट्राइकोडर्मा हार्जियानम क्या है, ये एक फंगस है जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए अच्छा है, यूज एज ए बायो पेस्टिसाइड। एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ ट्राइकोडर्मा एंड मेथड्स ऑफ अप्लीकेशन, इसको कैसे सॉइल में या प्लांट में अप्लाई करा जाता है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 19, राइट द फीचर्स ऑफ राइजोबियम एंड मेथड्स ऑफ आइसोलेशन ऑफ इट एंड हाउ इट इज अप्लाइड इन द फील्ड। यानी कि राइजोबियम जो बायो फर्टिलाइजर है, दिस इज द बैक्टीरिया, इसकी क्या फीचर्स हैं, इसकी क्या क्वालिटीज़ हैं और इसको सॉइल से आइसोलेट करने का तरीका क्या है और इसको फील्ड में अप्लाइड करने का तरीका क्या है। क्वेश्चन नंबर 20, एक्सप्लेन द मास प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ ट्राइकोडर्मा एंड स्यूडोमोनास। ट्राइकोडर्मा एक फंगस है, स्यूडोमोनास एक बैक्टीरिया है, ये दोनों प्लांट्स के लिए दे आर वेरी गुड एंड इनका मास प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी यानी कि इसको कैसे ज़्यादा क्वांटिटी में मल्टीप्लाई किया जाता है, इसकी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी क्या है, इसमें इसका आंसर लिखना है। 21, राइट द डेफिनेशन ऑफ बायो फर्टिलाइजर, डिस्कस द प्रोडक्शन मेथड ऑफ राइजोबियम बायो फर्टिलाइजर। यानी कि राइजोबियम जो बायो बैक्टीरिया है जो कि सॉइल में प्रेजेंट रहता है, इसे कैसे आइसोलेट करा जाता है और इसको कैसे मल्टीप्लाई करा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, राइट 10 माइक्रोबियल बायो पेस्टिसाइड्स विच आर रजिस्टर्ड इन इंडिया, राइट द करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ एनी वन। 3, डिस्कस द सिम्बायोटिक एंड नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन बायो फर्टिलाइजर। सिम्बायोटिक और नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन बायो फर्टिलाइजर में क्या डिफरेंस है, इनकी क्या एग्जाम्पल है, सब लिखना है। क्वेश्चन नंबर 24, डिस्कस द माइक्रोबियल एंड बायोकेमिकल पेस्टिसाइड्स। माइक्रोबियल और बायोकेमिकल पेस्टिसाइड्स को यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज बीटी जीन। बीटी जीन क्या है और इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, हाउ डज बीटी जीन वर्क एज ए बायो पेस्टिसाइड, बायो पेस्टिसाइड की तरह कैसे काम करता है। दिस क्वेश्चन इज, व्हाट इज एंटमोपैथोजेनिक नेमेटोड। एंटमोपैथोजेनिक नेमेटोड क्या होते हैं, डिस्कस द रोल ऑफ इट इन क्रॉप पेस्ट मैनेजमेंट, इनका क्रॉप पेस्ट मैनेजमेंट में कैसे यूज करा जाता है। तो एंटमोपैथोजेनिक नेमेटोड की एग्जाम्पल, उनकी फैमिली, उनका मोड ऑफ एक्शन, इसमें सब कुछ आएगा। लेट्स डिस्कस शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चन यूर सेल्फ। इन क्वेश्चन का आंसर अपने आप ढूंढिए। PDA स्टैंड्स फॉर, PDA की फुल फॉर्म लिखनी है। स्यूडोमोनास इज ऑल्सो नोन एज PGPR, PGPR स्टैंड्स फॉर, PGPR की फुल फॉर्म यहाँ पर लिखनी है। इन द वर्ड बायो पेस्टिसाइड्स, बायो का मतलब क्या होता है, माइक्रोब्स है या एनिमल्स है या कोई और चीज़ है। क्वेश्चन 4, इज आर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का यहाँ पे एग्जांपल देना है। क्वेश्चन नंबर 5, बेवेरिया बेसियाना इज ए एंटमोपैथोजेनिक। बेवेरिया बेसियाना एंटमोपैथोजेनिक वायरस है या फंगाई या बैक्टीरिया, इसके बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फुल फॉर्म ऑफ बीटी, बीटी की फुल फॉर्म लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 7, वायरस इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड किस चीज़ का बनाता है वायरस, लिपिड्स का होता है या न्यूक्लिक एसिड होता है। एफसीओ स्टैंड्स फॉर, यहाँ एफसीओ की फुल फॉर्म लिखनी है और इसका ईयर लिखना है कब ये लागू किया गया था। द टर्म एंटमोपैथोजेनिक इच, एंटमोपैथोजेनिक टर्म एक ग्रीक वर्ड है कि या फिर लैटिन वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 10, इन फंजीसाइड वर्ड साइट का मतलब क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 11, राइट द कंपोजिशन ऑफ PDA मीडिया, यानी कि जो PDA मीडिया है इसका कंपोजिशन लिखना है, यानी कि पोटैटो कितना, डेक्सट्रोज कितना और अगार कितना है। क्वेश्चन नंबर 12, बेसिलस थुरिंजेंसिस प्रोड्यूसेस, ये जो बैक्टीरिया है ये क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोटीन या फैट, जिसकी वजह से इंसेक्ट्स पैरालाइज हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। पिस्सीसाइट किल्स, ये क्या किल करता है, डॉग को, फिश को, वायरस को या हॉर्स को। क्वेश्चन नंबर 14, इन द वर्ड बायो पेस्टिसाइड्स व्हाट डज पेस्ट मीन, बायो पेस्टिसाइड में पेस्ट का मतलब क्या है। क्वेश्चन नंबर 15, इन्फेक्शियस न्यूक्लियो प्रोटीन इज नोन एज, इन्फेक्शियस न्यूक्लियो प्रोटीन को क्या कहते हैं, वायरस, बैक्टीरिया या एल्गी।
क्वेश्चन नंबर 16, नेम एन एंटमोपैथोजेनिक बैक्टीरिया, किसी एंटमोपैथोजेनिक बैक्टीरिया का यहाँ पे एग्जांपल देना है। क्वेश्चन नंबर 17, स्टाइनेमा ग्लेसीरी इज एन एंटमोपैथोजेनिक, ये चीज़ क्या है, एंटमोपैथोजेनिक नेमेटोड है, बैक्टीरिया है या प्रोटोजोआ है। क्वेश्चन नंबर 18, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ साइनोबैक्टीरियल बायोफर्टिलाइजर्स, साइनोबैक्टीरियल बायोफर्टिलाइजर्स के दो एग्जांपल देना है। नंबर 19, इज द एग्जांपल ऑफ नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग बैक्टीरिया, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग बैक्टीरिया का एग्जांपल देना है। डर्मा की दो स्पीसीज लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 21, विरुलेंस किसमें मेजरमेंट करा जाता है, क्वालिटेटिव होता है या क्वांटिटेटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 22, एबिलिटी ऑफ पैथोजन टू कॉज ए डिजीज इज नोन एज, इसको हम क्या बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, डिफाइन द एंटमोपैथोजेनिक वर्ड, एंटमोपैथोजेनिक वर्ड का मतलब क्या होता है, इसको डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 24, राइट टू एग्जांपल ऑफ एंटमोपैथोजेनिक फंगाई, दो एंटमोजेनिक पैथोजेनिक फंगाई के एग्जांपल देना है, पीएसपी की फुल फॉर्म लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 26, विच बैक्टीरिया प्रोवाइड्स द नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट टू द, कौन से ऐसे बैक्टीरिया है जो प्लांट्स को नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।